वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। करोना वायरस का बहुत वड्डा प्रकोप चल रहा पूरे संसार दे विच, और इस दी जिहड़ी सब तो वड्डी मार पै रही है पूरे संसार दे विच, लोकां नूं, मेहनत कश लोकां नूं, सारयां नूं पै रही है, और आर्थिकता दे उत्ते भी बहुत वड्डा असर जिहड़ा पै रहा, सारे काम काज जिहड़े रुके ने। पर कुछ गल्लां ऐसियां ने कि जिहड़ियां साडे विचारन वालियां ते समझण वालियां, जिहड़ियां खास करके धर्म दे नाल जुड़ियां ने। सिख धर्म दुनिया दे धर्मां तों विलक्खण धर्म है। मैं किसी भी धर्म का निरादर नहीं करता, लेकिन यह गल जरूर कहांगा कि दुनिया दे धर्मां तों एक वक्खरा धर्म है, और इस धर्म दे विच जिहड़ा धर्म सिख धर्म के बानी श्री गुरु नानक पातशाह ने जदों पिता ने 20 रुपए व्यापार करन वास्ते सौदा करन वास्ते दिते, तां उहनां ने वह सारे दे 20 रुपए जिहड़े सी वह भुखे लोकां नूं जिहड़ा सी संतां साधुआं नूं लंगर छका दित्ता। उत्थों इहदी नीम है। अज जिहड़े गुरु घर ने, मैं ज़्यादा गल लंबी नहीं करनी चाहुंदा, मैं सिर्फ इन्नी कोई बेनती करनी चाहुंदा है कि अज जो साढ़े गुरु घर दे विच जिस तरह के आम तौर पर परंपरा चली आ रही है कि खंड पाठ जिहड़े लोग देशों विदेशों दे विच, भावें उह भारत च रहने वाले ने, वक्रे वक्रे सूबियां च ने, बेशक पंजाब दे भी रहने वाले लोग ने, तो उन्हां दी आस्था हुंदी है कि असीं अखंड पाठ साहब करवाउणा है, दरबार साहब करवाउणा है, जां पटियाले दुख निवारण साहब करवाउणा है, जां फतेहगढ़ साहब करवाउणा है। उन्हां दी वख वख गुरुद्वारां दे विच आस्था है, तो उस श्रोमणी कमेटी के थ्रू अखंड पाठ कराया जाता। श्रोमणी कमेटी ने अगों अखंड पाठी जिहड़ा वो रखे हुए ने वक् वक् गुरद्वारां च, जिस हिसाब के नाल अखंड पाठ चलते हैं, वो कोई जो गिनती साढ़े सामने आ रही है वह 1400 अखंड पाठी है, जिहड़े कि ए करोना के कारण इस टाइम पर लोग संगत आणो हट गई, तो जिहड़ियां सरकार दीआं हदायतां सन उन्हां दे कारण उत्थों उन्हां अखंड पाठ जिहड़े सी वो इक वारी बंद करा दिए। वह अखंड पाठ बंद होने के नाल ते जिहड़े अखंड पाठी ने यह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्के मुलाजम ने, इन्हां नूं सिर्फ उही पैसा मिलता जिन्नियां ये अखंड पाठ के ड्यूटियां लाउंदियां ने, इन्हां ने लाउणियां होंदियां ने, उस हिसाब नाल इन्हां नूं पैसे जिहड़े ने मिलते हैं। लेकिन अखंड पाठ बंद होने के कारण जिहड़ा वह उन्हां दा घर अखंड पाठ बंद हो गए, तो जिहड़े अखंड पाठियों नूं जो भेटा मिलती सी वह मिलनी बंद हो गई, तो ये हुण श्रोमणी कमेटी जिहड़ी आ वह अपना पल्ला झाड़ रही है कि असी खंड पाठ बंद हो गए ने तो पाठियां कीम दईए। एक पासे देश के प्रधानमंत्री वालों सरकार वालों ये हदायत की गई है कि आम जिहड़ियां फैक्ट्रियां ने उन्हां दे विच भी काम बंद होने तो बाद भी जिहड़ा है उत्थे जिहड़े मुलाजम काम कर रहे ने, बेशक वह दिहाड़ीदार ने जां ठेके ते ने, जिस तरह भी वह काम कर रहे ने, उन्हां दे बगैर काम करन ते जिन्ना दिन ये लॉकडाउन रहिंदा है काम नहीं चलता, उन्हां दी तनखाह जिहड़ी आ उन्हां नूं घर बैठिआं नूं मिलनी चाहीदी। पर मैनूं बहुत दुख नाल कहना पएगा कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहदा अरबां रुपए दा बजट है ते ये महीने दे विच ही इन्हां दे खजाने खाली हो गए। सो इन्हां ने वह जिहड़ा काम जिहड़ा कीता ये गलत है, ते मैं श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं ये अपील करनी चाहुंदा कि जिन्हां अखंड पाठियों नू अखंड पाठ ना होने के कारण भेटा देनी उन्हां दी जिहड़ी आ उह रुक दित्ती गई है, जो हुण तक साढ़े कोल खबरां आ रही रिपोर्टां आ रही ने। मैं ये बेनती करांगा कि ये अखंड पाठियों नू जिस तरह पहला उन्हां नू एक साल के रेशो के हिसाब नाल जिन्हां उन्हां नू पैसा हर महीने विचों दिता जांदा सी उह तुसीं एक साल की रेशो कढ लो, एक साल के अंकड़े कर लो कि उन्होंने किन्ना किन्ना पैसा एक एक खंड पाठी मिले, वो उन्होंने पैसे जड़े ने उन्होंने बंद नहीं होने चाहिए, उन्होंने उस हिसाब के माया जी मिलनी चाहिए आ। तो जे तुम कहो भी साढ़िया गोलकों के हम पैसा आना घट गया, तो जिस तरह उस दिन श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुख सकत्र ने परिक्रमा के एक जड़ा वो पत्रकार पूछ रहा जी इतने वरानगी छा गई है, वह भी कहना कि वरानगी छा गई है, हाँ जी इतने वरानगी छा गई है, तो वह उ जड़ा हंझू वग रहे, हंझू जड़े ने अज ते वगने शुरू हो गए। दुख है सानू इस चीज़ का, दुख है। मैं भी सोच रहा सी जे अज लोग इस तरह
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੁਰਖ ਜਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਨਾ ਲਓ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1400 ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਵੱਜਣੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਗਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਖ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਰਾਇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।